जारा कहाँ जा रही है? मामा देख ले। आपकी निगाहें किसी को तलाश कर रही हैं। किसी का इंतजार है शायद आप? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। Just wondering about my sister. So what do you do, Selena? Please, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। ये एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही बाहर से आया है। Come on, यहाँ की लड़कियों से इस तरह के सवाल आप नहीं करते। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ, तो फिर ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। Of course. So let's start again. Selena, what do you do for a living? My mom does it for me. फिर तो आप बहुत लकी। ये कैसे कह सकते हैं आप? कभी यूरोप वगैरह गई? बहुत छोटी थी। अगर आप गई होती तो आपको पता चलता कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। शायद आप जिंदगी से बहुत नाराज हैं। बहुत अच्छी है आपकी मम्मी। तुम अब तक कहाँ थे? कमरे में। ये वक्त है तुम्हारा नीचे आने का। मेहमान कब के आ चुके हैं और सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। अब आ तो गई हूँ ना मामा। कौन सी कैमरा टूट पड़ी है मेरे लेट आने से? मेरे आगे सामान मत चलाओ। मैं आपसे जबान नहीं चला रही। बदतमीज लड़की। चलो मेरे साथ, चलो नीचे मिलो मेहमानों से। Mrs. Amar, thank you for a lovely evening. Thanks for coming. Pleasure. And you've got a beautiful necklace. Very, very nice. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Good night. I hope Mrs. Amar, हमने आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया होगा। Of course not. और अगर उसने किया भी हो तो मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और देखिए, आप दोनों ने जाना नहीं है क्योंकि अभी हमने अपनी बिजनेस की डील डिस्कस करनी है। यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैं खास हम इंतजार करते हैं। लाउंज में बैठिए, हम अभी आ रहे हैं। ओके ओके, लाउंज। मिसेज अहमद, थैंक यू सो मच फॉर अ लवली इवनिंग। थैंक यू। नाइस टू मीट यू जी, सी यू सून। अरे वाह, तलवारें, बंदूकें, खंजर। लगता है आंटी को शिकार का बहुत शौक है। लगता है आंटी को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को शिकार का शौक है। अरे वाह, अभी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है। ऐसा लगता है कि वहीद मुराद और शमी मारा बैठे हैं। सही कह रहा हूँ। बाय द वे, दोनों की सेपरेशन हो चुकी, रख दो। हाँ, इसलिए कहते हैं कि फिल्मी शादियाँ चलती नहीं ज्यादा। बेटा तुम अपनी खैर मनाओ। और ये देखें क्या पोज बनाया। आई मीन लुक एट दिस, दिस इज सो फनी। फनी, रख दो इसको। तो आप
ये इज्जत देते हैं अपने मेजबानों को। सॉरी, आर यू सीरियस? I'm very serious. Please, किसके साथ? I'm so sorry. ये इसकी बातों का आप प्लीज प्लीज बुरा नहीं मान, पूछना तो हमारा फर्ज है। हाँ, आप लोग बैठो। आपने एंटरटेनमेंट के लिए दो जोकर जो बुलाए हुए। नताशा, बिहेव। अरे नहीं मिस समाद, आई थिंक सो कि शायद ज्यादती हम दोनों की है। हाँ, वो दरअसल हम अपना गेटअप भूला है तो सोचा कि आज कुछ स्टैंड अप कॉमेडी और कैबरे हो जाए। लगता है आप दोनों को इस काम का काफ़ी तजर्बा रहा है। अभी आपने देखा ही क्या? मेरे ख्याल में हमें अपनी मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। जी, व्हाई नॉट, शो। आपकी तारीफ। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी नताशा है। सनीना, ज़ारा कहाँ है? अपने कमरे में है। आप पार्टी में नजर नहीं आई। क्योंकि मेरे पास मसनूई दान और फालतू दिमाग नहीं है। प्लीज इग्नोर हर, लेट्स प्रोसीड। जी हाँ, तो मिस साहब, मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है, मामा आप कमरे में नॉक तो कर लिया करें। माँ हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे क्या पड़ता है? आपके कमरे में तो हम कभी बाहर इजाजत के नहीं आ सकते। तो अब तुम मेरी बराबरी करोगी? प्लीज। तताशा, बहुत डिसअपॉइंट किया है तुमने मुझे। अब क्या किया है मैंने? कितनी मतलब समझाया है तुम्हें कि पार्टी हुआ करें तो तुम लोगों से मिला करो, मेहमानों को खुश आमदेद कहा करो, उनके पास बैठा करो, बातें किया करो उनसे। लेकिन नहीं, तुम सिरे से कमरे से ही नहीं निकलती हो। और इस पर तवा तो तुमने हद ही कर दी। सब मेहमान तुम्हारा पूछते रहे और तुम एक मिनट को भी नीचे नहीं आई। आई हेट पार्टीज। मत भूलो कि तुम बहनों की जो ये पोजिशन है ना, ये सब की सब मेरी मेहनत का नतीजा है। वरना तुम्हारे बाबा तो आराम से लंदन जाकर बैठ गए थे, छोड़ गए थे हमें। उसके बाद अगर मैं मेहनत ना करती तो हम लोग जमीन पर होते, फिर सोसाइटी में तुम्हारा मकाम और स्टेटस क्या होता, बोलो। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस स्टूपिड वर्ड स्टेटस। क्या इसके अलावा हमारी जिंदगी में और कोई टॉपिक नहीं है? जब देखो आपको स्टेटस की पड़ी रहती है। कभी तुमने रियलाइज भी किया है कि तुम बच्चों की खातिर, तुम लोगों के आराम और आसाइश की खातिर मैंने दिन रात मेहनत की है, काम किया है मैंने अपनी खुशियों को तज करके, ताकि तुम लोग आराम और इत्मीनान की जिंदगी बसर कर सको। आप आराम से जीने देंगी तो जिएंगे ना? क्यों हमें कठपुतलियों की तरह हर वक्त नचाती रहती हैं? कभी एक को तान दिखाओ तो कभी दूसरे को। तंग आ गई हूं मैं, हमें अपने ढंग से जीने दें। शट अप, बहुत बदतमीज हो गई है तुम। समझाओ इस बदतमीज लड़की को। तुम मुझे लेक्चर मत देना, प्लीज। आई हैड एनफ। मैं तुम्हें कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, बस इतना कहूँगी कि तुम भी हद से आगे निकल जाती हो। हमारी मामा है वो। मामा है वो? माएँ ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं माएँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में उन्होंने हमें कभी एक दफ़ा भी बेड टाइम स्टोरी सुनाई हो, कभी प्यार से गले लगाया हो। छोड़ जाया करती थी हमें पराए हाथों में। क्या उन्हें अंदाज़ा है कि हम पर क्या बीतती होगी? मामा भी तो बहुत बिजी रही है ना, वो ये सब हमारी भलाई के लिए तो करती आ रही हैं। उन्होंने हमारे साथ कोई भलाई नहीं की, हमें ये सब नहीं ममता चाहिए थी।
ऐसा नहीं कहते, मामा हमसे बहुत प्यार करती हैं। अगर वो हमसे प्यार ना करती तो शायद आज उन्होंने दूसरी शादी कर ली होती। कर लेती तो अच्छा होता, हमें भी चैन आ जाता। ओह गॉड, तुमसे तो बात करना मुश्किल है। देन व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? जस्ट लीव माय रूम, गो, गो नाउ। मामा बिल्कुल सही कहते हैं, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। गेट आउट। आपसे एक जाती से सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। ये जो सलीना है, ये खोई खोई सी रहती हैं, क्यों? दरअसल जब से मेरी शौहर से अलहदगी हुई है, सलीना बहुत खोई खोई सी रहने लगी है, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहती। लेकिन लगता है ज़ारा पर उस नाम का बिल्कुल असर नहीं हुआ। क्या? असल में वो बड़ी लाडों से पली है और उसे एक नहीं दो माओ का प्यार मिला। तो क्या आपकी कोई सौतमी थी? Shut up, please. Just stop. I'm sorry. Actually, ये गोरों के साथ रह रह के उनका पानी पी पी के ना ये उन्हीं की बोली बोलने लगा है। कोई बात नहीं, यहाँ की गर्दोगुबार बहुत जल्द इसे ठिकाने लगा देगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि सलीना ने उसे इतनी मोहब्बत दी है कि शायद उसे बाप की कमी का एहसास ही नहीं होने दिया। नहीं मैडम, ये भाई मुबारक दो हमें। आज से हम अपनी नई बिजनेस के शहरयार के साथ 50-50 के पार्टनर्स हैं। आई सी, मुबारक हो। थैंक यू। तो व्हाई नॉट इस खुशी के मौके पर हम लोग एक जबरदस्त लंच करने चलें? नहीं बेटा, मुझे तो एक्सक्यूज कर दो, आप लोग जाओ, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। असल में आज मुझे भी डेंटिस्ट के पास जाना था। बेटा डेंटिस्ट के तो बाद में भी जाया जा सकता है, अब आज तो शहरयार को डिसअपॉइंट नहीं करो ना। वैसे दांत ये भी देख लेते हैं और दिखाते भी। मुझे नहीं अंदाजा था कि आप वेजिटेरियन हैं। तुम्हें कोई ख्वाब आया था? कल ही तो इनसे मिले हो। मुलाकात। आई सी, बात कुछ गहरी गहरी सी लगती है। ये तुम कितना सरकास्टिक क्यों बात करने लगते हो यार? अरे इसमें सार्केज्म की क्या बात है यार, अगर मैं मुर्गी खा रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि मैं मुर्गी खा रहा हूँ, उसे अंडा तो नहीं कहूँगा। ये मुर्गी से चूजा, चूजे से फिर अंडा, और अंडे से फिर मुर्गी बना सकते। ही कैन डू एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू दैट। खैर काम आप भी नहीं है। वेटर बिल लेके आना यार। वेटर क्यों बुला रहा हूँ? इसलिए कि मेरे मामू का बेटा है। अरे बिल मंगा रहा हूँ यार। व्हाट द हेल, बिल क्यों मंगा रहा है? इसलिए कि वो कहते हैं कि 2 इज अ कंपनी एंड 3 इज अ क्राउड। एक्चुअली वो आई हैव अ मीटिंग विद अ क्लाइंट सो आई हैव टू गो, तो इसलिए मैं अपने हिस्से का बिल देना चाहूँ। नेवर माइंड दिस, नहीं आ रहा तो ऐसा करो, ये मेरा एक बर्गर और फ्राइज के पैसे हैं, ठीक है सब रख लो, और सिर्फ 100 200 यानी कि इतनी 2 है, ठीक है और एक और टिप भी दे देना इसमें से। And enjoy yourself. Nice to see you. फिर मिलते हैं एक के बाद। Yeah, yeah, yeah. और पूरा ख्याल से। पागल है। पता क्या, ये जुबान का तेज़ है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। बहुत मुँह फट भी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली यूके में पला बढ़ा है ना, तो वहाँ के असरात कुछ ज़्यादा आ गए। अच्छी बात है, हमारी तरह डरा या सहमा तो नहीं रहते ना। क्यों, आपको किस बात का खौफ? मैं अपनी नहीं, जनरली बात कर रही हूँ। तो क्या आपके ख्याल में यहाँ के लोग डरे हुए? मुझे लगता है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा निडर हैं, खासतौर पे जब वो लोग रोड पे गाड़ी चलाते हैं ना तब। एग्जैक्टली। आप जब मुस्कुराती हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है।
एक बात पूछूं आपसे, जब भी मैं आपकी आंखों की तरफ देखता हूँ ना, तो एक महीने मुझे एक अनजाना सा दर्द नजर आता है, ऐसा क्यों? कुछ आंखें दूर भी तो बोल सकते हैं। नहीं, ये आंखें झूठ नहीं बोलती। वो ये डॉक्यूमेंट्स शरियार ने भेजे थे आंटी के लिए, कहाँ रख दूँ? रख दीजिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आप ही को दे देता हूँ। कहाँ ना रख दीजिए। रख तो दूँ, लेकिन अगर इधर उधर हो गए तो शरियार का तो आपको पता है। आप शायद ऊंचा सुनते हैं। क्या कहा आपने? आवाज़ नहीं आ रही। कैन आई आस्क यू समथिंग? आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे इतना चिढ़ती क्यों? आप क्यों गलत दरवाजे पे दस्तक देना चाहते हैं? देखिए मोहतरमा, मैं किसी दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहा। अगर मुझे कहीं पहुंचना होता है, मैं दरवाजा तोड़ के भी अंदर चला जाता हूँ, वरना खिड़की के रास्ते भी जा सकता हूँ। लेकिन कैन आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस? आप जिंदगी से इतनी बेजार क्यों हैं? Why don't you smile for a change? आप अपनी बहन को ही देख लें, she is so full of life. आप दोनों सगी बहन हैं? एक बात बताऊं आपको, मेरे लिए मेरी बहन एक कठपुतली है जो मामा के इशारों पे चलती है। I don't know आप दोनों का आपस में क्या मामला है, लेकिन जिंदगी बार बार नहीं मिलती, उसको इस तरह जाया मत कीजिए। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो ये कागजात यहीं रख दीजिए और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम बाकी है। मजाल है जो लड़की कभी घर में मिले? घर होगा तो मिलेगी ना। सलीना तुम बताओ कहाँ है जारा? वो कह रही थी अपने दोस्त के यहाँ से डायरेक्ट एग्जीबिशन पे आ जाएगी। तुम लोग जानते हो मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मसरूफ रहती हूँ। तुम दोनों का भी तो कोई फर्ज बनता है ना कि उसे समझाओ। छोटी बहन है वो तुम्हारी, आपने फर्ज अदा करना सिखाया नहीं। तुम ज्यादा बोला ना करो। और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? इस तरह जाओगी एग्जीबिशन में? मैं वहाँ नुमाइश देखने जा रही हूँ, दिखाने नहीं। कम ऑन यार, चेंज कर लो, वहाँ हमारे जान पहचान के बहुत से लोग होंगे, बहुत बुरा लगेगा। बाहर में जाएं सब, मैं इसी में खुश हूँ। देन यू बेटर स्टे एट होम। चलो सलीना, देर हो रही है, कर लो ना चेंज। आखिर तुम इतनी डिफिकल्ट क्यों हो? तुम लोग जाओ वरना लेट हो जाओ। ओके फाइन। बेटा तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। थैंक यू। मामा आपकी ट्रैंक्यूलाइजर्स कब छोड़ेंगी? ये तो लगता है अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी।
अगर पापा हमारे साथ होते तो आप पर ये बर्डन तो ना होता। होते भी तो क्या कर लेते, उन्होंने हमेशा मुझे दुख ही दिया है। बहुत ही सेल्फिश इंसान थे। कभी कभी ये सब अधूरा सा नहीं लगता? अच्छा ये बताओ तुम्हें शहरयार कैसा लगता है? He is a nice guy. आप चाहती है ना कि मैं उससे शादी कर लूं? अगर तुम चाहो तब। डर सा लगता है। किस बात से? जानती तो है आप, मैं फिर से कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जिसे बाद में पछतावा मिले। बेटा मेरे होते हुए तुम्हें किसी डर किसी फिक्र की जरूरत नहीं। हमेशा याद रखना तुम्हारी माँ एक बहुत मजबूत औरत है। जानती हो। आप भी कहेंगे कि लोग इंग्लैंड से आते हैं, उनमें टिकट्स भी नहीं होते। जी नहीं शुक्रिया, आप जा सकते हैं। एक मिनट, ये लड़ाई किस बात पर? कुछ चेहरे बनते ही लड़ने के लिए। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, आप बचपन से ऐसी थी। मैं अपने नहीं आपके बारे में बात कर रही हूं। मेरा चेहरा तो माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल किसी हीरो की तरह है। लोग कहते हैं मेरी शक्ल फरदीन खान से मिलती है। मुझे तो कोई हीरो वाली बात नजर नहीं आती। अब खैर ये तो देखने वाले की नजर पे होता ना। अब जाहिर है आपने चश्मा नहीं लगाया, आपको नहीं पता कि मैं क्या हूं। कैसा हूं? मैं चश्मा नहीं लगाती। नहीं लगाती? हालांकि आपकी आंखें तो कह रही हैं कि आपको चश्मा लगाना चाहिए। मामा भी ना पता नहीं कैसे कैसे नमूनों को घर ले आती हैं। नमूना? अगर मैं नमूना हूं तो आप हुई नमूने। Excuse me. Can I help you? You? Yeah. Can I help you? Hey, wait. I know. हाँ तुम फिक्र ना करो, मैं मामा से बात कर लूंगी। ओके Take it easy. ये क्या बदतमीजी है? क्या हरकत है ये? उस जोकर को समझा दें कि वो जारा का पीछा छोड़ दे। She is not interested. कौन जोकर? किसकी बात कर रही हो? उमर, आपका फेवरेट। ना तो वो जोकर है और ना ही मेरा फेवरेट। तुम्हारा ख्याल उसके बारे में बिल्कुल गलत है। मैं समझती हूँ कि वो एक नहायत शरीफ इंटेलिजेंट और नफीस इंसान है। शरीफों के सर पर सींग नहीं होते। सलीना तुमने समझाया नहीं कि माँ से कैसे बात करते हैं? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा मसला हल करती हूँ। एक मिनट सलीना, मामा आप क्यों घर में उल्टे सीधे लोगों को घुसने देती हैं? What do you mean, उल्टे सीधे? नताशा तुम हद से बढ़ती जा रही हो। अब तुम मुझे समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत? यही तो प्रॉब्लम है आपको। आप समझती हैं कि हम अब भी छोटी बच्चियां हैं, कुछ नहीं जानती दुनिया के बारे में। जानती हैं तो सिर्फ आप। तो
क्या तजुर्बा है तुम्हें इस दुनिया के बारे में? स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, जहां तुम चंद डिप्लोमास तो हासिल कर सकती हो, जिंदगी का तजुर्बा नहीं हासिल कर सकती हो। अब क्यों हमें अपनी तरह बनाना चाहती हैं? चुप करो नताशा, चलो मेरे साथ। आज आज आपकी वजह से हम बाबा से महरूम हैं। बाबा होते तो ये सब ना होता। देखा तुमने, बहुत दुख दिया इस लड़की ने मुझे हमेशा। नताशा तुम तो हद से आगे बढ़ रही हो, जाओ मामा से माफी मांगो। जिस दिन मैं गलती पे होंगी ना तो जरूर माफी मांग लूंगी। ओके बिल्कुल बागी हो गई हो तुम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सलीना मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो हमें उमर और शहरयार से बार बार क्यों मिलवाना चाह रही हैं। जरूरी नहीं कि तुम उन्हें पसंद करो, लेकिन जो तुम चाहती हो वो मामा कभी नहीं होने देंगी। क्या कर लेंगे, कब तक हमें बाबा से मिलने से मना करेंगे? अब हम छोटी बच्चियां नहीं रहे। यार एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हें? यार प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मिसेस अमात की बेटियों को है। उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गई? दे आर ऑल गॉन केसेस। मुझे लगता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है किसी की भी। एक बार बताओ यार, ये तुम लॉयर से साइकाइट्रिस्ट कब चला? हर लॉयर एक नीम साइकाइट्रिस्ट जरूर होता है। दरअसल जिसको देखो यार उसका दिमाग खराब है। जारा चिढ़ के बात करती है हमेशा, और वो नताशा उस तो काट खाने को दौड़ती है। इसका मतलब ये हुआ ना कि प्रॉब्लम उनके साथ नहीं है, प्रॉब्लम मिल जान आपके साथ है। क्या मतलब मेरे साथ है? यू थिंक आई हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम? मेरी जान थोड़ा सा ना डिप्लोमेसी से काम लो, वरना मारे जाओगे इस मुल्क में, बता रहा हूं मारे जाओगे। मी एंड डिप्लोमेसी, ये नहीं हो सकता मुझसे। फिर तो कसूर तुम्हारा ही हुआ। यार एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि तुम हाई सोसाइटी के लोग हो पाकिस्तान में, इनका मसला क्या है यार? Why can't they be themselves? इतना झूठ, इतनी बनावट। मेरी जान बात यह है कि अगर हम सब लोग ये बातें ना करें ना तो हमारा खाना हजम नहीं होता। हाँ शायद इसलिए तुम लोगों का हाजमा खराब रहता है। वैसे नताशा में एक बात है। क्यों? उसका खाना जल्दी हजम हो जाता है क्या? अरे नहीं यार, वो जैसी है वैसी है, यू नो शी इज रूड, बदतमीज मेरी तरह, लेकिन मुंह पे थप्पड़ भी मार सकती है। बट दैट्स व्हाट शी इज लाइक। क्या मतलब? मैंने तुमसे, मेरा मोबाइल कहाँ है? हबीब जाओ तुम यहां से। कद बड़ा हो जाने का ये मतलब नहीं होता कि बच्चे वालदैन की बराबरी करने लगे। मैं आपकी बराबरी कहाँ कर रही हूँ मामा? बार बार तो मौका आप मुझे देती हैं, और रहा आपके सवाल का जवाब, तो आई थिंक आई एम ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। एक बेटी तो हाथ से निकल ही गई है, कहीं दूसरी को भी ना खो दे। हेलो, इतनी
देर क्यों की थी ना? ट्रैफिक था, सॉरी ना। एक तो तुम्हें ढंग का बहाना भी नहीं बनाना। अच्छा यार, कल का सारा गुस्सा मुझ पे तो नहीं उतारो। लेट्स गो फॉर अ वॉक। क्या हो गया भाई? तुम्हें पता है कितनी देर हो गई है? मामा को मैं क्या कहूँगी कि इतनी देर क्यों लगी है? कुछ भी बोल देना, 10 बहाने होते हैं यार। बोल देना कि ट्रैफिक में फंस गई थी, दोस्त के घर रुक गई थी, कुछ भी। इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ। एनीवे तुम बताओ तुम्हारी जॉब का क्या? कल दोबारा इंटरव्यू है। ये तो मैं कब से सुन रही हूँ, तंग आ गई हूँ मैं इंतजार कर करके। यार मैं क्या करूं, मैं कुछ कर सकता हूं? मेरे बस में है ये? मेरे बस में होता ना तुम्हारी तरह क्लिप्टन या डिफेंस में रह रहा होता। गुलिस्तान है, जौहर में नहीं। अच्छा अब ज्यादा ताना देने की जरूरत नहीं है। नहीं दे रहा यार तुम्हें ताने, कौन दे रहा? इतना डिले किया ना तो हो गई हमारी शादी। यार तुम्हारी अम्मी तुम पे जबरदस्ती तो नहीं करेंगी? बहुत जानते हो ना मेरी मामा के बारे में। ठीक है ठीक। एक तो तुम मर्दों के लिए हर बात इतनी आसान क्यों होती है? यार तुम औरतें हर बात को इतना सीरियस क्यों ले लेती हो? कूल डाउन यार। यार इनसिक्योर तो मुझे होना चाहिए। तुम्हारे पास तो हर चीज़ है, अमीर हो, खूबसूरत हो, जानी मानी शख्सियत की औलाद हो। मेरे पास क्या है यार? कुछ भी तो नहीं। फिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में। यही सब बातें तो मुझे इनसिक्योर बनाती हैं। चलती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी फैमिली से, उनके प्यार से। सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तुम ठीक कहते हो, है मेरे पास सब कुछ, मगर सब खोखला और मस्तूई, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। इट्स ओके यार, मैं हूँ ना। बहुत डर लगता है, डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मुझे मम्मी से कब मिला रहे हो? मिलवा दूंगा, जल्दी मिलवा दूंगा, खुद ही उनको तुम्हारे पास लेके आऊं। हेलो। हाँ ज़ारा, कहाँ हो तुम? नहीं मामा अभी तक नहीं आई, जल्दी करो इससे पहले कि मामा वापस आ जाएं। कल भी वो बहुत गुस्सा हो रही थी तुम्हारी वजह से। ओके ठीक है, बाय। Shut up. Phone uthana, kya ho gaya? Kya ho gaya? As if you don't know anything, na? Tumhe to kuch pata hi nahi hai. Tum utha lo phone. Okay.
अरे यार तुम यहाँ पर छत पे हो, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम इस वक्त रात को उदास बुलबुल बने यहाँ कर रहे हो? कहाँ गए थे? कहीं नहीं यार, वॉक करने चला गया था। वॉक? डिनर पे चले? नहीं, भूख नहीं लग रही। चल कहीं बाहर चलते हैं। इतनी रात गए कहाँ जाएंगे? अगर आपके चेहरे पे 12 ना बज रहे हो ना, तो कराची जैसे शहर में सुबह के 4 बजे तक एंटरटेनमेंट के लिए जगहें खुली होती हैं। हाँ ठीक कह रहे हो। कम ऑन यार, डोंट बी सो डिफिकल्ट। हो सकता है कि बाहर जाकर तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाए। नहीं यार, उमर मैं यही ठीक हूँ। अरे चलना है यार। कम ऑन उमर, लीव मी अलोन यार। हर वक्त मजाक, हर वक्त मजाक। ओके ओके, सॉरी। क्यों नखरे सिर्फ आप दिखा सकते हैं, मैं नहीं दिखा सकता? नहीं ये बात नहीं है, एक्चुअली नखरे जो है ना वो तो जो सूट नहीं करते। अब तुम्हारी शक्ल पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सजा मिलेगी। ठीक ओके, यू विल हैव टू पे, तुम्हारी ट्रीट होगी। ओके डन। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सलीना से मुलाकात हुई? नहीं यार। डू यू लाइक हर? तो इंतजार किस बात का भाई, जाकर उसे बताओ। यार मैंने उसे अपना कार्ड दिया था, चॉइस इज हर्स यार। कार्ड दे दिया था? तुम उससे जॉब लेने गए थे भाई, तुम्हें किसी इनविटेशन कार्ड की जरूरत है? अगर तुम इसे पसंद करते हो तो अपने दिल का हाल जाकर बता दो। व्हाई यू वेस्टिंग टाइम? देख यार उमर, यहाँ अंग्रेज नहीं रहते, यहाँ के और वहाँ के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ ये सब नहीं होता कि जाके बोल दो और ये कर दो। अरे कोई फर्क नहीं है यार, कमाल है। सीधी सी बात को तुमने इतना बड़ा ड्रामा बना दिया। तो यार वो मुझे कॉल भी तो कर सकती थी। हो सकता है उसे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार हो, और सारी ज़िंदगी एक दूसरे के फ़ोन का इंतज़ार करते रहना, लाइन कभी नहीं मिलेगी। कम ऑन यार, लीव इट, ड्रॉप दिस टॉपिक। ये बता कि वो तेरा चक्कर कैसे चल रहा? कोई चांस नहीं है। अच्छा? जीरो, अंडा। लेकिन खैर, हम भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं। उमर भाई कहीं ऐसा ना हो कि अब तक तो सिर्फ जुबान ही चल रही है, कहीं हाथ पांव ना चलने लगे। आई लव चैलेंजेस। रियली? हाँ, जस्ट वेट एंड सी। कहीं ऐसा ना हो कि तू वेट एंड सी करता रह जाए और तेरी जारा वो गई। जारा मैं आ रहा। बगैर इजाजत के मेरे कमरे में फिर क्यों आए? कहाँ है मेरी सीडीज? खा नहीं जाऊंगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इस बात से कितनी चिढ़ है, लेकिन तुम बाज नहीं आती ना। तुम आखिर हमसे पराया जैसा सलूक क्यों करती हो? क्योंकि तुम बुजदिल हो। तुम्हारी हरकतें देख देख के ना मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। कभी आईने में अपने चेहरे को गौर से देखो तो तुम्हें अपनी बेबसी का एहसास होगा। तरस आता है तुम पे। यू आर सो हेल्पलेस।
हेलो हाय शहरयार बात कर रहा हूँ कैसी ठीक हूँ रो रही थी क्या नहीं कम ऑन यार ये तो बहुत ही पुराना बहाना है बताओ ना मुझे व्हाट्सअप मैं कोई मदद कर सकता हूँ थैंक्स मैं ठीक हूँ अच्छा क्या कर रही हो कुछ नहीं मुझसे मिल सकती हो अभी नहीं फिर कब फिर कभी आज क्यों नहीं देखो सरीना मैं आज तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहा हूँ पता नहीं ये मौका दोबारा मिले या ना मिले ठीक है तो फिर आप आ जाए मामा से भी मुलाकात हो जाएगी ओके सी यू बाय ओके बाय बाय क्या बात है शहरयार नहीं आ रहे पता नहीं फोन भी नहीं उठा रहा शायद कोई मसरूफियत हो गई हो सकता है लेकिन एक फोन तो कर लेते नताशा तुम अभी तक जा रही कल मुझे ऑफिस लेट जाना है आप लोग शायद फिर किसी दावत में जा रहे हैं नहीं तो ये तो शहरयार का इंतजार कर रही है तो बात यहाँ तक आ पहुँची ऐसी तो कोई बात नहीं है तुम बैठो तुमसे एक बात भी करनी है जी मैं ये कहना चाहती थी कि तुम जो दिन रात इतनी मेहनत करती हो दूसरी कंपनी के लिए काम कर रही हो यही मेहनत तुम हमारी कंपनी के लिए क्यों नहीं करती आखिर ये सब कुछ तुम बच्चों का ही तो है वो तो ठीक है लेकिन आई एम ऑलराइट मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ मामा खाम खाम वक्त बर्बाद कर रही हो अपना वक्त मैं बहुत पहले ही बर्बाद कर चुकी हूँ अकाउंट्स पढ़ पढ़ के आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे आर्ट से कितनी दिलचस्पी थी एंड आई वॉन्टेड टू बी अ फोटोग्राफर फोटोग्राफर व्हाट नॉनसेंस हैसियत क्या होती है एक फोटोग्राफर की लोग कितनी बातें बनाते दुनिया क्या कहती लोग क्या कहते क्या कहते लोग लोगों का काम है बोलना झूठ बोलना बनावटी हंसी हंसना यह है हमारी सोसाइटी और इसके लोग एवरीबॉडी इज सो ब्लडी इनसिक्योर बहुत बर्दाश्त करती हूँ मैं तुम्हारी बकवास को अगर तुम मेरी बेटी ना होती ना बस करें क्या हम एक दिन भी झगड़ों के बगैर गुजार सकते हैं एक दिन
शरिया ये आइटम चेक कर लीजिए। सब कुछ ठीक है मिसेस अमादर, as far as I'm concerned everything is fine. अगर आपको कुछ लगता है तो मुझे बता दें। आप शायद बिजी हैं, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं बेटा बैठो। नो इट्स ओके। प्लीज मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी सर। किस बात का सॉरी? मैं तो अपसेट नहीं हूँ। इसका मतलब है तुम्हें पता है कि मैं किस बात के लिए सॉरी कह रहा हूँ। चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। शहर यार बहुत देर हो चुकी है, मुझे कोई किस्से नहीं सुनने। प्लीज एक मौका तो दो ना, अगर गलती मेरी हो ना तो फिर जो चोर की सजा। शहर यार अपना वक्त जाया कर रहे हैं। सलीना इतनी बेरुखी किस बात की? अगर कल मैं मर जाता तो क्या फिर भी तुम मुझे माफ ना करती? ऐसा नहीं कहते। तुम सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं? एक बार फोन ही कर लेते। अब आप नहीं था ना मेरे पास। सलीना प्लीज जाने से पहले मेरी बात का जवाब देते हो। फोन पे बात करेंगे। सलीना प्लीज डोंट डू दिस टू मी। तुम्हें पता है कि मेरा सारा दिन खराब गुजरेगा। क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? ये बात तो तुम अपने दिल से पूछो। पूछ लूंगी, अब जाऊं? पूछ लूंगी, कर लूंगी। आखिर हम लोग इतने फलसफे क्यों बनाते रहते हैं? उमर बिल्कुल ठीक कहता है, हम लोग अपने हाथ से अपनी जिंदगी अजाब कर लेते हैं। ठीक है जाओ। शहरयार लेट्स गो। I just wanted to make it up to you. Selena, sorry. It's okay. I love candles. Candles kya hai? Yeah. Wo tumhara star sign kya? Cancer. Very sensitive and romantic. That's why you love candles. What's yours? Gemini. Oh God, always double-minded. लेकिन कम से कम एक बात के लिए नहीं। वो क्या? तुम्हारे लिए। इधर आओ बेटा, तुम्हारी बहन की बर्थडे है, तुम भी सेलिब्रेट करो ना। मैंने कर लिया जितना करना था। कम ऑन बेटा, फिर बाद में रेस्टोरेंट चलेंगे, खाना बाहर खाएंगे। आओ। मेरा मूड नहीं है। सारा दिन जो अपने दोस्तों में घूमती फिरती हो उस वक्त तो बड़ा मूड होता है तुम्हारा। बाबा प्लीज, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आप लोग जाएं। हाँ अब तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम और एनर्जी कहाँ? आपके लिए अपनी खुशी तो बहुत अजीज है ना। तुम टॉन्ट किए बगैर रह नहीं सकती हो। शुरुआत भी आप ही करती हैं। आखिर फिर क्या हो गया है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी बेटी ही नहीं हूँ। इन्होंने किसी राह चलते या फिर अपनी सौतन की बेटी को जबरदस्ती पाल रखा हो। ऐसा नहीं है नताशा, मामा तुम्हें भी उतना ही प्यार करती हैं जितना मुझे। अगर इतना ही प्यार होता ना
तो परसों मेरा बर्थडे ना भूलती, मुझे भी विश करती बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम घर पर होती तो तुम्हें विश करती ना। जाओ जाके मेरे कमरे में देख लो, तुम्हारा गिफ्ट वैसा ही रैप किया हुआ पड़ा। थैंक्स मामा, इजहार करना तो कोई आपसे सीखे। नताशा रुक जाओ, मत जाओ उसके पीछे, इस तरह तो वो कभी भी अपनी गलती का इकरार नहीं करेगी। तुम्हारी मामा से मिलना चाहती हूँ, मुझे अपने घर कब लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा सब्र कर। और कितना सब्र करूँ मैं यार, हर चीज का वक्त मुकर्रर होता है। मैं खुद ही उनको तुम्हारे पास जाऊँ। जिस दिन मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगी ना, तो ले आना मेरे जनाजे पर। उफ, वो मायूसी गुनाह है। एक तो तुम अपनी अम्मी से इतना चिढ़ती क्यों? पता नहीं, मैं कुछ भी करूँ कुछ भी, उन्हें मेरी हर बात गलत लगती है, हर बात में मुझे डांटती रहती है। तंग आ गई हूँ। अच्छा, हम काफी लेट नहीं हो गए? सोचो चलना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारी अम्मी यहाँ पे आ जाए। तो मेरा जाने का मूड नहीं, तुम बैठो। जिद नहीं करते, चलो उठो चलते हैं। What the hell यार, मम्मा मेरी है और रो तुम रहे हो। ये बात नहीं है, मुझे किसी काम से सुबह जाना है, पूरे दिन का थका हुआ हूँ, कल सुबह उठना है, नींद पूरी करनी है। ठीक है, तुम जाओ। क्या मतलब है जाओ? मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है, तुम्हें जाना है तो जाओ। यार एक तो तुम औरतें इतनी सेंसिटिव क्यों होती हो? You know what? You're just so selfish. I am selfish. एक तो आधी रात को मैं सब छोड़ के आया हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, and then after that you are telling me that I am selfish. अरे यार बहुत लेट हो गए हैं वो लोग, पता नहीं कब से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पहुंच रहे हैं यार, पहुंच जाएंगे, कभी कभी हो जाता है, लेट भी हो जाते हैं, जाओगे? अरे यार एक तो तुम तैयार होने में इतनी देर क्यों लगाते हो, लड़की हुई था। मैं तैयार होने में देर लगाता हूँ? अबे तैयार होने में देर तू लगाता था। मैं लगाता हूँ। ओह माय गॉड, क्या हो गया? अल्लाह ताला क्यों याद आने लगे? क्या हो गया, क्या हो गया? देखना अबे, ये जारा के साथ कौन है यार? उसका बाबू था, उसका बॉयफ्रेंड है यार, नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये था कौन यार, था कौन? मुजरिम है, इज़ अ क्रिमिनल। ओह, यू कांट बी सीरियस मैन। यस, मैं जानता हूँ इसको, अपना केस लेकर आया था मेरे पास, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं झूठे केस नहीं लड़ता। लेकिन यार उमर, इस पे चार्जेस क्या है? एक बैंक में काम करता था, 50 लाख रुपए का फ्रॉड किया था। उमर, मेरे ख्याल से ना हमें फौरन मिसेस हमाद को बता देना चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ज़्यादा समझेगी कि मैं उसको हासिल करने के लिए सब कुछ करता हूँ। कम ऑन यार, ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है। तुम्हें उसकी ज़िंदगी की फिक्र है, मेरी फिक्र नहीं है। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तो कह रहा हूँ।
एनीवे यार अभी हम उसे कुछ नहीं बता सकते, जस्ट वेट। मेरी जान देखो पता क्या है, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, जब तक उसकी असलियत पता चलेगी इट विल बी टू लेट मैन। अच्छा मुझे सोचने दो यार, आई थिंक वी शुड वेट। ओके तुम सोच लो, मुझे फिर ना कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ओके बहन को दो। ये क्या है? टेक अवे है, तुम्हारे लिए लाए हैं, चाइनीज रेस्टोरेंट से। थैंक यू। सारा कहाँ है? बाहर गई। अब तक नहीं लौटी, रात का एक बज रहा है। क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डू यू मीन? आप खुद तो घर पर होते नहीं हैं, तो फिर बेटी से ये उम्मीद क्यों? नताशा बिहेव योरसेल्फ, बहुत बर्दाश्त कर लिया। सलीना तुम्हें तो पता होगा कहाँ है जारा। मामा अपनी फ्रेंड के घर गई होगी। फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड। सलीना ये क्या कह रही है? इससे क्या पूछती हैं आप, इसको क्या पता? शी इज गोइंग आउट विद समबडी। व्हाट नॉनसेंस, कौन है वो लड़का, क्या करता है, उसका खानदान क्या है? उसकी एक माँ है और एक बाप है और दो बहनें हैं, यही है उसका खानदान, जैसा कि होना चाहिए। That's all I know. मैं कल ही उमर से उसकी शादी की बात करती हूँ। मामा वो कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। That's my problem. You stay out of it. वाह ये तो बहुत ही खुशी की बात है उमर, लेट्स सेलिब्रेट। मेरे ख्याल से मिठाई मंगवानी चाहिए। और तुम वहां क्यों खड़े हो? कम ऑन आंटी से मिलो आके। बेटा मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती, अगर तुम्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज है तो तुम इनकार कर सकते हो। नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल वो जारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। इनफैक्ट वो मुझे जोकर बुलाती है। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, और ये प्यार व्यार सब बकवास चीज होती है। असल मोहब्बत तो शादी के बाद समझौतों का नाम है, ये ना हो तो सब बेकार है। हाँ वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन अब नहीं वो उमर आप खुल के क्यों नहीं बात करते तुम? कम ऑन से इट। वो दरअसल आंटी वो जारा जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का ठीक नहीं है। तुम उसे जानते हो? जी। कब से? वो दरअसल कल रात को हम दोनों ने उन दोनों को एक मोटर बाइक पे देखा था। और कुछ? और ये कि वो एक फ्रॉड के केस में बुरी तरह से फंसा हुआ है। कुछ सलीना फौरन जारा को फोन करके यहां बुलाओ। जी मामा। नॉन्स उमर शहर प्लीज शाम को मेरे घर आ जाइएगा, वहीं से हम बाकी बात कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल आई एम वेरी अपसेट। ओके तो हम ही जा दीजिए, शाम में मुलाकात होती है। लेट्स गो। क्या
क्या बात है भाई, अभी तो सिर्फ मंगनी की बातें हो रही हैं और तुम इतने गुमसुम हो गए। यार वही तो सोच रहा हूँ कहाँ फंस गया और अभी तेरी वजह से। हैं? मेरी वजह से? ये बताओ कि जारा को आपने पसंद किया था या मैंने? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर तू मुझे वहां लेकर नहीं जाता तो नौबत यहां तक नहीं आती। यार अजीब आदमी हो, कल तक तुम उसके प्यार में बुरी तरह गिरफ्तार थे और अब फंसने की बातें कर। अरे यार बात ये नहीं, देखो अगर तुम जारा को इस दलदल से निकाल लो ना तो कितना अच्छा हो। मेरे ख्याल से ये तुम दोनों की भलाई के लिए। लेकिन जो प्यार मैंने जारा की आंखों में उस लड़के के लिए देखा है शायद वो उसे ना भुला सके। यार उमर ये सब वक्ती बातें होती हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आंटी कब आ रही हैं? और बाय द वे उनको इन सब बातों का पता है? मम्मी मेरी प्यारी माँ ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। आई शेयर एवरीथिंग विद हर। तुम्हें पता है उमर, तुम बहुत लकी हो। तुम अपनी मॉम से इतने दूर हो फिर भी उनके बहुत करीब। मुझे देखो यार के मेरे पेरेंट्स इसी शहर में रहते हैं, लेकिन यार मैं बहुत दूर हूं उनसे। अरे यार डोंट वरी, बी हैप्पी, ईट पॉपकॉर्न। हाँ यार घबराने की कोई जरूरत नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। अरे यार 7 बज गए, वी गेटिंग लेट। 7 बज गए? हाँ चल यार तू यार चेंज कर तू पॉपकॉर्न। आंटी आपको उसको पिटवाना है क्या? देखें प्लीज, इफ यू डोंट माइंड मैं आपको एक मशवरा दूं। मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। आंटी आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती, वो बालिग है, उसको अपनी जिंदगी अपने तौर पर जीने का पूरा हक हासिल है। ये तुम्हारे लंदन में होता होगा, हमारे यहां नहीं होता। तुमने खुद मुझे बताया था कि वो लड़का फ्रॉड के केस में मुलव्वस है और तुम चाहते हो कि मैं देखते हुए अपनी नजरों के सामने उसे दलदल में धकेल दूं। आंटी इफ यू डोंट माइंड मैं एक बात कहूँ। देखें प्लीज मुझे ऐसे ना देखें, मैं पहले ही बहुत खौफजदा हूँ। आपने कभी ये सोचा कि शायद आपके इसी रवैये की वजह से उसने ये सब कुछ किया हो? क्यों, कैसा रवैया मेरा बोलो। आंटी देखें आप बुरा ना माने, मुझे जो नजर आएगा मैं साफ साफ बोल दूंगा, यू नो मी। तुम बताओ बेटा क्या खराबी है मेरे रवैये में? आई एम सॉरी लेकिन मेरे ख्याल से उमर किसी हद तक ठीक कह रहा है। सही, और मैं समझती हूँ कि हम सब अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उठो उमर, मुझे उसके घर लेके चलो, और अगर नहीं लेके जाओगे तो कम से कम मुझे उसका एड्रेस दे दो। नहीं नहीं चलें, हम वापस आ सकते हैं। क्या होगा, आप लोग महज अपना वक्त बर्बाद करेंगे। तुम खामोश रहो, चलो उमर। आपको वहां कोई नहीं मिलेगा। क्या कहना चाह रही हो तुम? जारा हमें और इस मुल्क को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। क्या? उसने उजैर से शादी कर। और मैं बतौर गवाह खुद वहां मौजूद थी। क्या बकवास कर रही हो तुम, उसकी गवाह बनी थी? शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। मैं
दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अब भी आपको दुनिया की फिक्र खाई जा रही है, बेटी की तो परवाह है ही नहीं ना आपको। क्या बक रही हो, माँ हूँ मैं उसकी। माँ हो लेकिन आपने कभी माँ बनकर नहीं दिखाया। How dare you? ये जुर्रत भी आप ही का तोहफा है मामा। ये तो शुक्र करें कि ज़ारा उज़ैर से निकाह करके यहाँ से रुखसत हुई है, वरना ताने और भी बहुत मिल सकते थे और फिर हम सब के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो जाता। सलीना तुम ज़ारा को फ़ोन करो, हो सकता है वो अभी एयरपोर्ट पर ही हो। मेरे ख्याल से ये वक्त इन बातों का नहीं है आंटी, प्लीज़ काम डाउन। आंटी ज़ारा कोई बच्ची नहीं है, उसने अगर इतना बड़ा स्टेप लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। तुमने खुद कहा था कि वो लड़का फ्रॉड के केस में मुलव्वस है, क्या होगा मेरी बच्ची का? आंटी इश्क में इंसान कुछ भी कर सकता है, हो सकता है उसने ये सब कुछ ज़ारा के लिए किया। एग्जैक्टली, उज़ैर ज़ारा से बहुत प्यार करता है और चाहते तो ये सब आपकी दुआ लेकर भी कर सकते थे, लेकिन आपने उन्हें ये मौका ही नहीं दिया। वो कोई ज़ारा अपना अता पता कोई एड्रेस वगैरह दे के गई? हाँ मेरे पास है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को चलना चाहिए। एक मिनट शहरयार, प्लीज़ आप बैठ जाइए। सलीना, इससे पहले कि तुम्हें किसी और पछतावे का सामना करना पड़ जाए, आज शहरयार को सब सच सच बता दो। क्या क्या सच सच बता दो? कुछ नहीं। प्लीज़ मामा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तो मुझे सच बोल लेते प्लीज़। शहरयार, मेरी तलाक हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है। आंटी प्लीज़, मैं जानता हूँ कि वालदैन अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं और आपने जो कुछ भी किया अपने बच्चों की बेहतरी के लिए किया होगा, लेकिन शायद आप ये भूल गई कि इनकी अपने भी कोई सोच है और हो सकता है कि ये ज़िंदगी अपने तरीक़े से गुजारना चाहते हो। आपको तो सलीना पे फ़ख्र करना चाहिए। What Selena has done is very brave. I should be proud of her. इसने इतना बड़ा सच बोल दिया। शहरयार, यही सच है और फैसला आपके हाथ में है। सरीना, अगर तुम इतनी बहादुर हो तो मैं भी बुज़दिल नहीं हूँ। तुमने एक सच बोल के मेरे अंदर भी सच बोलने की ताकत पैदा कर दी। सरीना, मैं भी शादीशुदा हूँ। हाँ सरीना, ये सच है, लेकिन यकीन जानो ये शादी ज़बरदस्ती हुई थी। मेरे माँ बाप ने जायदाद की खातिर मेरी शादी कर दी थी। मैं कभी भी इस शादी से खुश नहीं था। मेरी भी एक बेटी है, लेकिन मैं अपने अंदर के डर और खौफ की वजह से कभी भी उन दोनों के करीब नहीं हो सका। तुम जानते हो कि मेरे इन लॉज मुझे फ़ोन करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मेरे घर के दरवाजे तक आ जाते हैं, लेकिन मैं अब ये रिश्ता कायम नहीं रख सकता। शहरयार, कभी उसके करीब जाके उसे जाने की कोशिश तो करो, हो सकता है तुमने अपने आप को कभी ये मौका ही ना दिया हो। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन सलीना,
अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। बहरहाल ये सब जानने के बाद मुझसे ज्यादती ना हो पाएगी। अब मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी बच्ची के साथ गुजारना चाहती हूँ और इसी में मेरी खुशी है। तुम जानती हो सलीना, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहें? Of course, I'll be very happy to be your friend. Thank you very much. You okay? Yes. I'm okay. And you okay? Yes, I'm okay. होता है मेरी जान, यही जिंदगी है यार। मैं जा रहा हूं। जा रहा है? इतनी मुश्किल से तुमने यहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप किया है और अब वापस जाने की बात कर? अरे भाई, मैं लंदन वापस जाने की बात नहीं कर रहा। तो फिर कहाँ जा रहा? मैं वो नताशा से बात करने आ रहा हूँ। नताशा से? हाँ यार, मैं आज तक उसे गलत समझता रहा। I was wrong about her, she's a very nice person. और मैं उसके साथ हमेशा बदतमीजी से बात करता रहा। मेरा ख्याल में मुझे जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए कम से कम। मामा, मैं सारा को लेने जा रही हूँ। बाय। नताशा बेटा, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी मामा। तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बैठो मेरे पास।
नताशा बेटा, जिंदगी का एक लंबा सफर मैंने अकेले तय किया है। अब तो लगता है जैसे चलते चलते थक गई हूं। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं बेटा। पहले मैं समझती थी कि दौलत ही दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अजीम ताकत है, लेकिन ये गलत था बेटा। मेरी असल ताकत तो तुम बच्चे हो। मैं तुम्हें गुजरे हुए दिन तो नहीं लौटा सकती, लेकिन आज आज मैं तुम्हें वो खुशी देना चाहती हूँ जिसकी तुम्हें हमेशा तलब रही है। जानती हूँ मैं, तुम अपने पापा को बहुत मिस करती हो ना बेटा। मैं चाहती हूँ तुम उनके पास चली जाओ, तुम वहां ही रहो। मुझे पता है बेटा, यही तुम्हारी ख्वाहिश। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अब कभी नहीं रोकूंगी अपनी गलतियों से। मैं एक बेटी को खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती मेरी जान। I love you too, my baby. माफ कर दो मुझे। हाय आंटी, घर पे हैं? अंदर। आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं वैसे ही पूछ रहा था। उस दिन आपको बहुत गुस्सा आ गया था ना, आई होप कि ठंडा हो गया होगा अब तक। I'm all right. Good. वो मुझे आपसे एक बात करनी है। कहिए। वो actually मैं आपको बिल्कुल गलत समझता रहा हूँ। I wanted to say कि will you marry me? What? आप मुझसे शादी करेंगे? I don't know what I'm saying actually. I didn't mean that. Actually I did. मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे कहने कुछ और आया था और कह कुछ और रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं हवा में तीर चला रहा हूँ और न जाने क्या कह रहा हूँ, लेकिन शायद मेरे अंदर यही बात है और मैं हिम्मत करके वो कह देना चाहता हूँ सच सच। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हाँ तो देना देना। पहले जारा और अब मैं।
यस, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, इट्स अ गुड पॉइंट. पहले ज़ारा फिर आप. एक्चुअली मैं ज़ारा में इंटरेस्टेड था, लेकिन मैं आपसे तो मैं डरता था बिल्कुल, और डरना भी चाहिए था. लेकिन द थिंग इज़ उस वक्त, अब नहीं, मैं आपको कुछ और समझता था. लेकिन उस दिन आपकी आँखों की सच्चाई को देख कर मुझे ऐसा लगा कि आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और. और शायद ये कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसी ही सच्चाई की ज़रूरत है. वो तो ठीक है, लेकिन मुझे शादी से कोई दिलचस्पी नहीं है. इट्स ओके, यू कैन टेक योर टाइम. आप आराम से सोच लें इसके बारे में. आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर. मामा से नहीं मिलेंगे आप? मुबारक हो. किस बात की, आपने तो इनकार कर दिया था. मैं आपके ऑफिस की बात कर रही हूँ. यस, थैंक यू. इट्स वेरी नाइस. हाँ, इट इज, इज़न्ट इट? थैंक्स. ये मैं आपके लिए लाई हूँ. हाँ ठीक है यार विजय, ये मैंने स्पेशली आपके ऑफिस के लिए लिया. जी मैंने सुन लिया, मैंने कहा ना कि रख दीजिए. आप देखेंगे नहीं? आप शायद ऊंचा सुनती हैं. सॉरी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब किया. वेट, आपने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है उस वक्त से जब से मैं आपको मिला हूं, और खास तौर पे कल से. और आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज, बाय द वे, यू आर लुकिंग वेरी नाइस. और इसका एक ही हल है कि हम डिनर करें. या कल परसों, व्हाई नॉट आज. मेरी कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है, रेस्टोरेंट भी पास है, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना करे. श्योर.